तो दोस्तों आज है 8 जुलाई और आज देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, डिस्कस क्रिटिकली। आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है, मतलब दोनों पॉइंट लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ दलित आइकोनोग्राफी, दलित का जो मूर्ति लगे हुए रहते हैं ना, उनका सिग्निफिकेंस आपको बताना है क्या है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। सच एज द स्टैचू ऑफ अम्बेडकर, देखिए यहाँ पे आपको जाल फंसाया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ही एग्जाम्पल दे दिया दैट एक अम्बेडकर के मूर्ति की तरह जो नॉर्मल मूर्तियाँ लगी हुई रहती हैं उनका सिग्निफिकेंस बताना है, और वो दलित मूर्तियाँ होंगी, ठीक है। तो आपको अगर सिर्फ ऐसे सोचिएगा सर सिर्फ अम्बेडकर की मूर्ति का ही यू नो आंसर लिखूँ, तो दैट इज़ आई विल नॉट से दैट इज़ रॉन्ग, बट यू नो दैट विल नॉट बी एप्ट, ठीक है। अगर आपका कॉम्पिटिटर ने आपसे अच्छा लिख दिया तो फिर आपका मार्क्स गया नीचे, मतलब मैं जस्ट बोलने का बात है। तो एनीवेज देखते हैं पहले सिग्निफिकेंस, अच्छी अच्छी क्या बात बोल सकते हैं हम दलित के मूर्तियों के लेकर। उससे पहले अगर आप एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो दैट अभी तक हमारे इंडिया में दलित ने क्या क्या फेसेस किया है। दैट जैसे मैं लिखा है दैट इंडिया जो एक लैंड ऑफ डाइवर्स कास्ट क्रीड कल्चर है, ठीक है, यहाँ पे हिस्टोरिकली दलित्स को नीचे दबाया गया है, ठीक है। तो और उसी लाइट में, उसी संदर्भ में ये जो दलित मूर्तियाँ जो है वो एक एम्पावरमेंट फील करवाती है, वो हर एक दलित को कनेक्शन एक फील करवाती है सब दलित्स में, ठीक है, एंड मेक देम अ सेंस ऑफ वननेस। क्योंकि अगर मेक ऑफ वननेस अगर फील करवाएगी तो उन लोगों को भी लगेगा यार हाँ हम लोगों के फोर फादर्स जो कि इतने बड़े बड़े इंसान थे, ठीक है, हम भी उनके तरह बन सकते हैं, ग्रेट। क्योंकि ऐसा तो सबका तो मूर्ति नहीं लगाया जाता ना यार, कोई बड़े बड़े इंसान का ही मूर्ति लगाया जाता, तो उन लोग को भी लगता है यार उन लोग का अगर मूर्ति लग सकता है तो हम लोग का क्यों नहीं, ठीक है। और एक वननेस भी लगता है दैट हाँ यार कोई तो हमारे साथ है, कोई तो हमारे पास्ट में था हमारा लीडर और कोई अभी भी है हमारे साथ, तो यही है। तो अब सिग्निफिकेंस मेनली आ जाते हैं दोस्तों। सिग्निफिकेंस देखिए एक ही सेम ही है, मतलब क्योंकि उन लोगों को एक एम्पावरमेंट फील कर रहा है, बट उसी को अलग अलग एंगल में तोड़ के आपने लिखा है दैट इट इंसर्ट्स द इनर स्ट्रेंथ, एक अंदर से आपको फील आती है, स्ट्रेंथ महसूस होता है दैट हम भी उनके तरह बन सकते हैं बाई रिमेंबरिंग द सेक्रीफाइस ऑफ देयर फोर फादर्स, ठीक है। मोड ऑफ कन्वे देयर प्रेजेंस एट पब्लिक प्लेस, एक मोड ऑफ प्रेजेंस एक मतलब आप अपना एक दलित का प्रेजेंस आप दिखा सकते हो पब्लिक लाइफ में, ठीक है, क्योंकि मूर्तियाँ लगेंगी रहेंगी तो लोग देखेंगे ना हाँ उसका नीचे लिखा हुआ रहता है दैट ही इज अ दलित और समथिंग लाइक दैट हुजोवर, ठीक है। तो एक रहता है सेंस दैट हाँ यार मतलब नॉर्मल पब्लिक लाइफ में भी उन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है और वो लोग प्रेजेंस है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ लेजिटिमेसी, एक कानूनी हक दिलाता है, कानूनी प्रेजेंस भी दिलाता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई मूर्ति क्यों लगा हुआ रहता है कहीं पर, क्योंकि लोग उसको मानते हैं, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब अंबेडकर जी का ही मूर्ति ले लीजिए, सबको ही मतलब इंडिया में हर कोई इंसान उनको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। क्यों रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है, मतलब उनको कानूनी एक टाइप से रिस्पेक्ट मिला, ऐसे ही सोच लीजिए, सेंस ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं दैट कास्ट इज़ नॉट अ बैरियर टू बिकम ग्रेट, मतलब एक हर एक लोगों में एक इक्वालिटी दिलवाता है, मतलब सेंस ऑफ इक्वालिटी दिलवाता है दैट हम लोग एक हैं, ठीक है। अब हर एक लोग में मतलब पहले वाले केस में मैंने डिस्कस किया था वो दलित लोगों को लगता है दैट हम लोग एक हैं, ठीक है, बट यहाँ पर सब दलित्स ले दलित ले लीजिए, अपर क्लास पीपल ले लीजिए, सबको लगता है यू नो क्योंकि अपर क्लास पीपल सोचते थे यार हमारा तो मूर्ति नहीं लग सकता, हम तो उतना ग्रेट नहीं है, बट हमारे फोर फादर्स जो थे वो जो दलित्स थे वो लोग का मूर्ति लगा हुआ है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल था, ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी बातें हम लोग सोचेंगे। तो ये है बोल सकते हैं दैट इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल, ठीक है। एंड एग्जांपल बाय शोइंग दैट एग्जांपल दैट कास्ट इज़ नॉट अ बैरियर टू बिकम ग्रेट, मतलब कास्ट इज नॉट द ओनली बैरियर, ठीक है, आपका धर्म ही ओनली बैरियर नहीं है। नेक्स्ट दैट ये पॉजिटिव सिग्निफिकेंस दे दिया, आप नेगेटिव सिग्निफिकेंस दे सकते हो, ये क्या है नॉर्मल पॉलिटिकल माइलेज ले लेते हैं वो लोग, ठीक है, उसका मूर्ति के पीछे पॉलिटिक्स कर लेते हैं लोग, यही है मतलब दिमाग में तो यही आना चाहिए, ठीक है। अब नेगेटिव यूजेस फॉर पॉलिटिकल माइलेज, ठीक है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ऑफन इट लीड टू द क्लैश विद द अपर कास्ट पीपल, अपर कास्ट पीपल के साथ क्लैश का भी कारण बन जाता है, क्योंकि अपना रिसेंटली अगर मैंने एक न्यूज़ सुना था कहीं पे यू नो अम्बेडकर का मूर्ति को तोड़ दिया गया है, ठीक है, तो इट इज़ अ क्लैश बिटवीन द कम्युनिटी ना, तो दिस इज यू नो एक नेगेटिव इसका फीचर है। इट इज़ अ वेपन टू गार्नर रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब सेक्टर, वो तो अभी भी होता है, आप लोग तो देखते होंगे, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ वोट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस, हाँ ये बहुत गलत बात है, मतलब इलेक्शंस जो होता है जिसको कहा जाता है दैट पावर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, उस पावर ऑफ डेमोक्रेसी को एक
यू नो पोलराइज कर दिया जाता है, लोग कास्ट के नाम पर वोट मांगने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है. ऑफन इन देयर नेम्स एंड स्टैच्यू ऑब्स्ट्रक्ट्स नॉर्मल पब्लिक वर्क लाइक बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स लाइक हड़ताल. मतलब वो लोग यू नो कोई दलित फिगर के मूर्ति के सामने चले जाएंगे और बोल देंगे नहीं आज दिल्ली बंद कर दूंगा, या फिर कोई भी प्लेस ले लीजिए. तो ये तो पब्लिक, एक पब्लिक जो लाइफ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ना बीच में. अब हड़ताल हो गया तो आप कुछ खरीद नहीं पाओगे, जो आपका नीड है वो आप उस दिन पूरा नहीं कर पाते, इकोनॉमी ठप चला जाता है. तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आप अगर देना चाहो तो दे दो, ठीक है. साथ ही साथ एक कंक्लूजन अगर लिखना चाहो तो, मतलब कंक्लूजन तो एक पॉजिटिव टोन में ही लिखा जाता है, दैट नॉट ओनली द दलित आइकोनोग्राफी बट ऑल द आइकन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग जनरेशन टू लर्न द गुड आउट ऑफ दीज दोज लीडर्स. मतलब सिर्फ दलित आइकोनोग्राफी ही नहीं, हर एक आइकोनोग्राफी, वो महात्मा गांधी का ले लीजिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का ले लीजिए, ठीक है, तो हर एक आइकोनोग्राफी इम्पॉर्टेंट है. किन के लिए? आने वाले जनरेशन्स के लिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स ही यू नो दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है. तो बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ नेगेटिव वे टू अर्न द बेनिफिट, डिफरेंट बेनिफिट्स जो कि हमने डिस्कस किया नेगेटिव वाले पॉइंट्स में, ठीक है. तो ऐसे करके आंसर लिखने से अच्छा हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्रिटिकली एवेल्यूएट द प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट. फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 न्यूज़ में था दोस्तों, ये हो सके तो पढ़ लीजिए. मैं तो बोल रहा हूँ बहुत हॉट टॉपिक रहता है ये सब समय के लिए. आज भी हॉट टॉपिक है, कल भी हॉट टॉपिक रहेगा, और 100 साल बाद तो नहीं, ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 साल बाद तक तो एटलीस्ट हॉट टॉपिक रहेगा, जब तक कोई नया फॉरेस्ट लॉ ना आ जाए, है ना. तो वही बोल रहा है दैट क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए दैट ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को किस सेक्टर में उसका प्रॉमिस क्या क्या था. मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट जब इनैक्ट किया गया था तो किस प्रॉमिस से इनैक्ट कर दिया गया था और उसका परफॉर्मेंस क्या रहा. मतलब खामियां बताना है आपको, सिंपल, मतलब जो आपका इसके एक्ट के फीचर्स बताने हैं और खामियां, मतलब एक्ट जो लगा है उसके क्या क्या खामियां है वो बताना है, ठीक है. तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये तो इसका क्या इंट्रोडक्शन क्या लिखेगा, मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट किस लिए बना है, सिंपल वही लिख सकते हैं दैट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हैज बीन यू नो डिवाइस टू फॉर द रेक्टिफाई द रूल मेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स. कॉलोनियल टाइम्स में जो कॉलोनियल रूल्स थे जिससे क्या उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया था, उन रूल्स को ढकने के लिए हमने ये फॉरेस्ट राइट एक्ट डिवाइस किया था, ठीक है, यही है और क्या. अब देखिए, अब मेन मुद्दा आ रहा है दैट क्या क्या बोला गया था जब राइट्स हमें दिया जाएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत. लीगली अवॉर्ड लैंड राइट इन द फॉर्म ऑफ लैंड पट्टा. ये कुछ मतलब फैक्चुअल बात है, थोड़ा हल्का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. इसको एनालाइज क्या करोगे यार ये, ठीक है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, सिंपल सा बात है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, ठीक है. तो एनीवेज, नेक्स्ट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी By self decide the ownership of resource with the help of ग्राम सभा. मतलब एक empowerment दे दिया था आप ग्राम सभा के माध्यम से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं दैट यू नो किसका ownership होगा रिसोर्स में. मतलब अगर ग्राम सभा चाहे तो बोल सकता है ठीक है भाई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए उसको सरकार को दे दो, अगर नहीं चाहे तो रख सकता है खुद के लिए, मैं ट्राइबल्स लोगों के लिए ही रख सकता है, ठीक है. कम्युनिटी बट ऐसा होता नहीं है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे नेक्स्ट आने वाले यू नो इसमें पार्ट में. कम्युनिटी रिकॉग्निशन हैज़ रिजल्टेड इन प्रोमोटिंग द कम्युनिटी फार्मिंग विच हैज़ रिजल्टेड इन शेयर बेनिफिट. मतलब इसमें कम्युनिटी रिकॉग्निशन भी दिया जाता है, मतलब एक नॉर्मल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, चलो भाई उसको आपको एज अ कम्युनिटी मैं वो लैंड दे रहा हूँ. अब वहाँ पे कम्युनिटी मतलब मैं आप 10 फैमिली को दे दिया, एग्जाम से फॉर एग्जाम्पल 10 फैमिली को दे दिया, तो क्या करेंगे ना 10 फैमिली लोग अच्छा से कम्युनिटी फार्मिंग करेगी और उससे फ़ायदा यू नो 10 फैमिली को मिलेगा, तो एक कम्युनिटी बेनिफिट प्रोग्राम भी हो गया, ठीक है. तो दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन ये. नेक्स्ट इज इफेक्टिव वेपन टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन, है ना, बहुत एक इफेक्टिव वेपन है जो लैंड डिग्रेडेशन को जिससे चेक किया जा सकता है. साथ ही साथ पावर टू इंस्टॉल द फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, मतलब कुछ ऐसे पावर्स दिए गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिससे मतलब ग्राम सभा अगर चाहे तो कोई अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड ऑलरेडी हो गया तो उसको प्रोजेक्ट को इंस्टॉल भी किया जा सकता है, ठीक है. और ऐसे भी प्रोविजंस है अगर लैंड छिन भी गया ना आपसे तो लैंड को वापस आपके से पास कर दिया जाएगा, ठीक है. तो अच्छे प्रोविजंस है. नेक्स्ट इज देर इट हैज ऑल्सो एज अ क्लॉज टू प्रोमोट द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जॉइंटली फॉरेस्ट को मैनेजमेंट किया जा सके उसके भी क्लॉज अवेलेबल है. तो इससे क्या होगा, इससे फायदा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से मतलब सबका एक साथ सबका साथ सबका विकास टाइप बात हो गया, ठीक है. तो ये राइट्स ग्रांटेड, क्या क्या राइट्स ग्रांटेड किया गया दोस्तों, और भी कुछ राइट्स है लेकिन मैंने सब कुछ डिस्कस नहीं किया क्योंकि मेरे अरे सब कुछ दिमाग में आएगा तब ना डिस्कस करेंगे यार, जब लिखने बैठते हैं ना तब वही सब कुछ नहीं आता है दिमाग में. एनीवेज
अब दूसरा जो बोला था दैट कैसे क्या क्या खामियां हैं वो देख रहे हैं. पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हैज़ रिजल्टेड इन देयर एक्सप्लॉयटेशन. इस लॉ को बहुत पुअरली इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, जिससे क्या ट्राइबल्स पीपल का एक्सप्लॉयटेशन मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है. पहले पहले तो लोग ऐसे कानून भगा देती थी ट्राइबल्स लोगों को, बोलती थी हम तुम्हारा लैंड नहीं देंगे, ठीक है. उसके बाद ये कानून आया तो लोगों को लगा दैट हाँ यार लैंड मिल जाएगा, ठीक है. पर अभी भी एक्सप्लॉयट किया जा रहा है क्योंकि अभी भी लूप होल्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है. देर इज़ अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू फर्दर नलीफाई द लॉ, ठीक है. मतलब एक पॉलिटिकल विल भी नहीं है. पॉलिटिकल विल अगर होता तो फिर से एक लॉ में अमेंडमेंट लाया जाता है जितने लूप होल्स को भरने के लिए, बट पॉलिटिकल विल ही नहीं है तो उन लोग का फर्दर जो एक कानूनी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो क्रेडिबिलिटी था वो क्रेडिबिलिटी और भी लूज हो रहा है, ठीक है. साथ ही साथ न्यू लॉज टू बाईपास द ओल्ड वन, मतलब उस नया लॉ को बनाना है अगर बाईपास करना पड़ेगा ओल्ड वन को. सिंपल सा बात है, मतलब वो ऐसा बना नहीं है अभी तक, मैं ये बताना चाहता हूँ. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हैज़ क्रिएटेड टू वीकन द ग्राम सभा. डिस्ट्रिक्ट पहले तो ग्राम सभा था, ग्राम सभा डिसाइड करती थी जो उसको पैसे कैसे जाएंगे, मतलब कोई भी अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है तो उसके पैसे कैसे जाएंगे, ठीक है. अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन कर दिया गया, अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डिसाइड करेगी और दैट वो पैसे कहाँ जाएगी, ठीक है. और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन किसका होता है, आपका जाके एग्जीक्यूटिव रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, मतलब सरकार के ही लोग रहते हैं. तो क्या होगा, मतलब सब कुछ तो डाइल्यूट कर रहे हैं सरकार, कुछ मतलब स्ट्रेंदन नहीं कर रही है, सब कुछ डाइल्यूट कर रही है. इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एंड बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक गुड ग्राम सभा हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड साइड ट्रैक्ट. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और पब्लिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिससे क्या लोगों का भलाई हो सके उसके नाम पर ग्राम सभा को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ठीक है. कभी कभी ग्राम सभा को ऐसे भी एलिगेशन आते हैं ग्राम सभा को घूस दिया गया है, ठीक है. अब मेरा ही आप सोच लीजिए, पांच हम आप लोग पांच जन ग्राम सभा में कंस्टिट्यूएंट है, बाय चांस से फॉर एग्जांपल हम लोग का कैरेक्टर भी मतलब हम लोग घूसखोर है, ठीक है. तो अगर हमें घूस दे दिया तो हम लोग प्रोजेक्ट को अलाउ कर देंगे, है ना. हम लोग झूठ झूठ बोल देंगे दैट हाँ दैट्स प्रोजेक्ट इज़ फॉर वेरी गुड फॉर अस क्योंकि हम ही लोग उसको रूल कर रहे हैं, ठीक है. तो उस सेक्टर में मतलब कुछ कुछ ये भी खामियां हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ. नेक्स्ट इज देर इज एन एलिगेशंस दैट राइट्स यूज फॉर पॉलिटिकल गेन्स बाय गिविंग इंडिविजुअल राइट प्रायोरिटी ओवर द कम्युनिटी राइट. मतलब ऐसा एलिगेशंस लगाया जाता है दैट पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है. कैसे, बाय गिविंग द इंडिविजुअल राइट प्रायोरिटी ओवर कम्युनिटी राइट. कम्युनिटी राइट मतलब नॉर्मल ट्राइबल्स इन एन ओवरऑल ट्राइबल राइट के खिलाफ जाकर एक किसी इंडिविजुअल राइट को दे दिया जाता है. मतलब कोई से फॉर एग्जांपल आप कोई एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, आपने सरकार के साथ टाका भिड़ा है दैट मुझे वो लैंड चाहिए ट्राइबल वाला लैंड क्योंकि मुझे एक्सप्लॉटेशन मतलब कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैरी आउट करना है ना, और आपको अपने सरकार को बोला मैं आपको 1,000 करोड़ दूंगा, ठीक है. तो सरकार भी सोचेगी यार अच्छा ऑफर है, ठीक है. तो यही बोल रहे हैं दैट एक बंदे के चॉइस को फुलफिल करने के लिए हम पूरा कम्युनिटी होल जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके चॉइस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है कभी कभी, ठीक है. तो ये भी कुछ कुछ लूप होल्स है जिसको हमें भरना चाहिए. नेक्स्ट लिख सकते हैं दैट वी मस्ट रियलाइज दैट ओनली एक्सपर्ट परफॉर्म्स देयर वर्क वेल एंड हेयर द ट्राइबल्स आर कंसिडर्ड एक्सपर्ट्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन. क्योंकि देखिए ये तो एक एक टाइप से क्यों है, क्यों ये डिवाइस क्यों हो गया है, एक तो ट्राइबल का राइट जान देने के लिए साथ ही साथ फॉरेस्ट को कंजर्व भी करने के लिए, है ना. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मास्टर्स कौन होते हैं, ट्राइबल पीपल ही होते हैं. क्योंकि हम और आपको पता नहीं है दैट फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जाता है, बट उस ट्राइबल पीपल को क्योंकि वो बंदे ने सालों साल जंगल में ही रहा है वो बंदा, तो उसको अच्छे से पता होगा दैट क्या क्या करना चाहिए जिससे फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, मतलब वो मास्टर है एक टाइप से, ठीक है. तो अगर उनका ही राइट हम छीन लेते हैं, ठीक है, उनको अगर फॉरेस्ट से ही हम बेदखल कर देते हैं तो क्या फॉरेस्ट क्या बचेगा, यही है. अब मतलब लिख सकते हो, मतलब इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में भी एक वे फॉरवर्ड पॉइंट लिख सकते हो जो कि मैंने लिखा है. साथ ही साथ मोर ओवर इफ इट कंटिन्यूज देन द प्रपोज्ड एम टू लिफ्ट द ट्राइबल्स एंड ब्रिंगिंग देम टू मेन स्ट्रीम विल बी डिस्टेंट ड्रीम. अगर ऐसा चीज़ होता रहा तो हम जो सोच रहे थे ट्राइबल पीपल को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, उन्हें डेवलप किया जाएगा, हमारा पूरा इंडिया डेवलप होगा, तो ये सपना धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है. मतलब अच्छे से क्रिटिसाइज भी कर दिया आपने और एक वे फॉरवर्ड पॉइंट भी रख दिया, तो 2-in-1 हो गया, ठीक है.
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी एंड स्टडीज एल्सवेयर, 11 इयर्स ऑफ नरेगा हैव नॉट बीन एबल टू मेक मच ऑफ डेंट इन रूरल पॉवर्टी. ठीक है, एक स्टडी किया गया था सीएजी के रिपोर्ट के द्वारा, उसमें पता गया दैट 11 साल जो नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन का हो गया, महात्मा गांधी यू नो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो उसने कुछ अभी तक फ़ायदा नहीं पहुंचा है. ठीक है, उसका जो फ़ायदा आना चाहिए था, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला था, ठीक है, गरीबी जाने वाली थी, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है. मतलब हुआ है, मतलब ऐसा सब्सटैंशियल फ़ायदा नहीं हुआ है जो होना चाहिए था. ठीक है, जिससे जो सोचा गया था दैट यू नो एक्स लेवल तक हम पॉवर्टी को घटा देंगे, तो वो एक्स लेवल तक नहीं हम लोग पहुँच पाए. ठीक है, तो वॉट इनोवेटिव वेज वुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव द आउटकम ऑफ नरेगा. आप क्या मतलब वे फॉरवर्ड पॉइंट, आपको डायरेक्ट पूछा गया वे फॉरवर्ड पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर दो ये स्टेटमेंट को भी तो आपको डिकोड करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे वे फॉरवर्ड पॉइंट दिया गया है दूसरा वाला पार्ट में, तो पहले वाले पार्ट में देखिए ना, स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको लगेगा दैट क्या क्या नरेगा में फॉल्ट है वही आपको शो करना है. सिंपल सा बात है. ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दो पार्ट आपको लिखने पड़ेंगे. ठीक है, साथ ही साथ वे फॉरवर्ड पॉइंट भी लिख दीजिएगा, तो दैट विल बी यू नो आपका फायदा होगा. तो पहले देख लेते हैं हम नरेगा को, तो डिफिनेशन लिख दीजिए होता क्या है. नरेगा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का, जिससे एम किया गया था दैट पॉवर्टी को एंड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ इंश्योर करेगा 100 दिन का वर्क एक रूरल हाउसहोल्ड को. ठीक है, मिनिमम एक रूरल हाउसहोल्ड को 100 दिन का वर्क इंश्योर करने वाला था इसके तहत. इट हैज़ गॉट अ सब्सटेंशियल सक्सेस. एक सक्सेस तो मिला है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको इसकी तारीफ की थी नरेगा की. ठीक है, तो अब ये लिख दिया दैट इसको सक्सेस तो मिला है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की थी, इतना लिख दिया. अब नेक्स्ट में आ जाइए दैट बट द रिसेंट सीएजी रिपोर्ट, मतलब आपको फॉल्ट दिखाना है ना, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट को ये हम डिकोड कर रहे हैं. ठीक है, क्या क्या गलतियाँ है. पहले गलतियाँ बोल सकते हैं दैट फिजिकल मनी ट्रांसफर हैज़ लेड टू द करप्शन एंड ऑफन लेड टू द फंड लीकेज. मतलब पहले क्या होता था ना, अभी वो तो अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है या फिर यू नो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया तो डायरेक्ट यू नो पहुंच जा रहा है खाते में पैसा. बट पहले जब फिजिकल ट्रांसफर मनी होता था तब करप्शन के केसेस देखे गए थे, फंड लीक किया जा रहा है ये केसेस देखे गए थे. ठीक है, देवर ऑफन रिपोर्टर्स ऑफ घोस्ट लेबरर्स. मतलब अब हम मैं आपको यू नो एम्प्लॉयमेंट में रख रहा हूँ कोई गरीबों को, तो वो तो एज अ लेबर काम करेगा ना मेरे लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के में हम घुसाते थे, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में छोटा मोटा. ठीक है, तो देखा गया था दैट घोस्ट लेबर बहुत थे, मतलब एक्चुअली में लेबर थे नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स उसके पैसे मार के खा लेते थे. ठीक है, तो उसको कहते हैं घोस्ट लेबर. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर्स वेर ऑल्सो एलिज्ड दैट दे मेड मनी, मतलब उनका सिर्फ पैसा बनाने का मोटिव था. ठीक है, इसलिए बहुत देखा गया था दैट पुअर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी उन्होंने बनाया था, मतलब क्वालिटी नहीं था इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में. दे डिडंट रीच द बेनिफिशियरीज डिफरेंट लीन सीजन. ऐसा बहुत केसेस में देखा गया दैट जो बेनिफिशियरीज जो होता है, मतलब गरीब लोग जिनको ये नरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, वो पहुँचता ही नहीं था गरीबों तक, हर गरीबों तक मतलब. ठीक है, क्यों? रीज़न दिया गया दैट डिफरेंट लीन सीजन्स में रखे जाते थे. अब से फॉर एग्जाम्पल अभी आपका खेती का समय है. ठीक है, आप तो खेत में ना जाके लगोगे यार, तो अगर आपको बोले यार अभी खेती है चलो अभी मनरेगा का काम भी है, तो आप दो जगह तो एक साथ प्रेजेंट भूत तो नहीं हो आप. ठीक है, तो प्रिफर तो करोगे आप खेती करना. ठीक है, क्योंकि दैट इज़ योर लैंड, दैट उसको आपको पता है दैट यू नो कमाई ज़्यादा है उस थोड़ा रिस्पेक्टिवली लेबर हल्का शायद कम होगा. ठीक है, तो एनीवेज आपको पता है तो आप खेती ना करोगे, तो मतलब आपको जो मिलना चाहिए था वो एम्प्लॉयमेंट लीन सीजन में, जब आप खेती नहीं करते हो वो होता लीन सीजन. ठीक है, तो उस सीजन में मिलता तो आप जाके काम करते तो पैसे भी मिल जाते हैं. ठीक है, तो यही बताया गया है दैट डिफरेंट लीन सीजन्स होते हैं. ठीक है, और हर बेनिफिशियरीज को ये पहुंचा नहीं है ये इसका फ़ायदा. सप्लाई ड्रिवन एंड टॉप डाउन रैदर डिमांड ड्रिवन एंड बॉटम अप. देखिए ये बेसिकली जो ये वर्क है ना, होना चाहिए दैट आपका जाके डिमांड ड्रिवन और बॉटम अप, मतलब नीचे से ऊपर तक है ना, और डिमांड होना चाहिए था. बट ये देखा गया है दैट सप्लाई ड्रिवन और टॉप डाउन, मतलब ऊपर से सरकार देती है काम. ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं लूप होल्स है जो इसमें दिख गए. और आपके पास और भी लूप होल्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए यार. आप लोग तो कमेंट सेक्शन में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखते ही नहीं हो. ठीक है, तो लिखोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा. एनीवेज
इनोवेटिव वेज पूछा है ना ये दूसरे पार्ट में, तो इनोवेटिव क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं दैट रीजन स्पेसिफिक वर्क हम अगर अलॉट कर दिए, जिससे क्या वर्क डेज अलॉटमेंट रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब वो लीन सीजन वाला भी बोल सकते हो आप, दैट लीन सीजन में इतना वर्क मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर रीजन वाइज, से फॉर एग्जांपल जो तमिलनाडु में आप यू नो जो वर्क डेज दे रहे हो वो आप बिहार में नहीं दे सकते हो, ठीक है ना, जो बिहार में दे रहे हो वो आप पंजाब में नहीं दे सकते हो, तो ऐसा रीजन स्पेसिफिक हर अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वर्किंग डेज अलॉट करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ देयर मस्ट बी अ ट्रैक ऑफ एवरी सिंगल पेनी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, हर एक पैसा का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए दैट अभी भी जो लूप्स होल बचे हुए जहां से यू नो पैसा फंड लीक हो सकता है, देखिए आप जितना भी DBT लगा लीजिए और जितना भी वो कर लीजिए पैसा तो लीक होने का लूप होल छोड़ ही दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे का जो कमांड दिया जाता है वो है आपका जाके जो फार्मर को पैसा देता है डायरेक्ट उसके ऊपर उसके पास रहता है, तो उसके पास बहुत सारे साधन होते हैं पैसे को लीक करने का, ठीक है। तो इफेक्ट हर एक सिंगल पैसा को हमारा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यही बता गया। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म ऑफ सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का मैकेनिज्म बढ़ाना चाहिए जिससे लोग खुद ऑडिट करें दैट हाँ यार एक्चुअली में वो मनरेगा से जो प्रोजेक्ट हुआ है तो वो इफेक्टिव है क्या नहीं, इससे क्या बहुत फ़ायदा हो जाएगा, एक तो इंश्योर होगा दैट हर लेबर को पैसा मिला है क्या नहीं, दूसरा इंश्योरिटी हो जाएगा दैट कॉन्ट्रैक्टर ने कहीं धोखा तो नहीं मार दिया है, ठीक है। तो सबको जो भी स्टेक होल्डर उससे डायरेक्टली अफेक्टेड है सबको सबके ऊपर एक सर्विलांस हो जाएगा दैट हाँ सोशल ऑडिट से यही फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज असाइनिंग ए नोडल अथॉरिटी फॉर द ग्रीवांस रिड्रेसल, बहुत केसेस में ऐसा गया है देखा गया है दैट उन लोग मतलब जो बेनिफिशरीज है जो लेबर्स है उनके ग्रीवांसेज होते हैं दैट मुझे पैसा नहीं मिला मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला मतलब ऐसे ही कुछ ग्रीवांस, तो उनके ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए लेकिन कोई अथॉरिटी अभी तक निर्माण नहीं किया गया, ठीक है। तो वैसा एक नोडल अथॉरिटी करना चाहिए हर जगह में हर एक मतलब जहाँ जहाँ यू नो वायबल, मुझे तो नहीं पता डिस्ट्रिक्ट में या किस में होता है बट हर गांव में एटलीस्ट करना चाहिए नोडल अथॉरिटी जो क्या सबका यू नो ग्रीवांस रिड्रेस कर सके, ठीक है, जिससे इसका ये भी इससे ये भी फायदा होगा ना दैट इम्प्लीमेंटेशन और भी इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब सब कुछ लूप होल्स जो है सब कुछ बंद हो जाएंगे, चोरी चमारी नहीं होगा, पैसा का फंड का लीकेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस रिपोर्ट जो 2011 है उसका यूज़ करके हम इफेक्टिव बेनिफिशरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि लेफ्ट आउट एरर जो बहुत जगह देखा जाता है वो ना हो। लेफ्ट आउट एरर मतलब कभी कभी क्या होता है ना छूट जाते हैं लोग, ठीक है। तो अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से मतलब लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट जो बेनिफिशरीज है जिसको एक्चुअली मिलना चाहिए वो लोग नहीं छूटेंगे, ठीक है। लेफ्ट आउट एरर मतलब इम्पॉसिबल है उसमें एरर, ठीक है। तो ये इनोवेटिव वे आप बता सकते हो, साथ ही साथ लिख देना दैट जो भी चल रहा है वो ठीक है बट ऑल द स्टेप्स टेकन टू मेक दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम सक्सेसफुल, मतलब जो लिया जा रहा है या फिर जो हमने सजेस्ट किया पिछले वाले पॉइंट्स में मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाई टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जियो टैगिंग एक्सेट्रा, ठीक है, टू इंश्योर इट्स एक्चुअल सक्सेस, ठीक है। मतलब इसका एक्चुअल सक्सेस के लिए अगर हम टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म का ये सब का यूज़ किया जाए तो यू नो और भी सक्सेस गारंटेड है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का 3 क्वेश्चंस, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।